नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्रॉड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम अर्थ, जिसको पब्लिश करवाया गया था 1985 के अंदर इन सिलेक्टेड पोएम्स में। और रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बायोग्राफी नाम से फोल्डर में से इनकी बायोग्राफी देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत होती है हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर अर्थ के सामने प्रेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि एक्सेप्ट माई होमेज अर्थ एज आई मेक माई लास्ट ऑब्सेंस ऑफ द डे, कि मेरी होमेज मतलब श्रद्धा को एक्सेप्ट करो अर्थ धरती माता, एज आई मेक माई लास्ट ऑब्सेंस ऑफ द डे, क्योंकि ये मेरे दिन की आखिरी श्रद्धा रिस्पेक्ट है आपके लिए। वाउड एट द अल्टर ऑफ द सेटिंग सन, छिपते हुए सूरज का टाइम है तो वो झुककर कह रहे हैं कि मेरी श्रद्धा को कबूल करो, एक्सेप्ट करो। अल्टर एक क्रिश्चियन के अंदर कोई मेज वगैरह होता है उसको बोलते हैं, और ऑब्सेंस और होमेज का मीनिंग होता है श्रद्धा। यू आर माइटी एंड नॉलेजेबल ओनली बाय द माइटी, तुम शक्तिशाली हो और ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो खुद शक्तिशाली हैं। माइटी मतलब शक्तिशाली। यू काउंटर पॉइज चार्म एंड सेवर्टी, कंपाउंडेड ऑफ मेल एंड फीमेल, यू स्वे ह्यूमन लाइफ विद अनवीरेबल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और अनवीरेबल मतलब असहनीय, स्वे होता है धकेल देना। यहाँ पर कभी कह रहा है कि आप जो ह्यूमन लाइफ है उसको धकेल देते हो अनवीरेबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, असहनीय संघर्ष में। द कप दैट योर राइट हैंड फिल्स विद नेक्टर इज स्मैश्ड बाय योर लेफ्ट, यहाँ पर कभी कह रहा है कि जो आपके राइट हैंड में कप है जो कि भरा हुआ है नेक्टर से, नेक्टर मतलब अमृत से, उसको ख़त्म कर दिया जाता है आपके लेफ्ट हाथ के द्वारा। स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ देना या फिर धुंधला कर देना। योर प्ले ग्राउंड रिंग्स विद योर मॉकिंग लाफ्टर, आपका जो प्ले ग्राउंड है घेरा वो भरा हुआ है मॉकिंग लाफ्टर से। मॉकिंग लाफ्टर का मतलब होता है मजाक, मॉकिंग मतलब मजाक, लाफ्टर मतलब हंसी, मतलब कि जो आपका ये प्ले ग्राउंड है वो हंसी मजाक से भरा हुआ है, अर्थ को कह रहा है। यू मेक हीरोइज्म हार्ड टू अटेन, यू मेक एक्सीलेंस कॉस्टली, यानी कि आपने हीरोइज्म मतलब को हार्ड कर दिया है अटेन करने के लिए, पाने के लिए, और आपने एक्सीलेंस मतलब कि उत्कृष्टता को बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना दिया है। यू आर नॉट मर्सीफुल टू दोज हु डिज़र्व मर्सी, मर्सीफुल होता है दयावान और डिज़र्व होता है लायक। यहाँ पे कवि अर्थ को कह रहा है कि आप दयावान नहीं हो जिनको जो दया के लायक हैं उनके लिए। सीजलेस वॉरफेयर इज हिडन इन योर प्लांट्स, देयर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आर विक्ट्री रेथ्स वॉन फ्रॉम स्ट्रगल, यहाँ पर कवि कह रहा है कि आपके प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधों के अंदर सीजलेस मतलब कि लगातार चलने वाला वॉरफेयर मतलब कि युद्ध चलता रहता है, छिपा हुआ जो दिखता नहीं किसी को, और उसके जो क्रॉप्स और फ्रूट्स हैं, फसलें और फल जो हैं, वो विक्ट्री रेथ्स हैं। विक्ट्री रेथ होती है जीत की माला, जो कि जिसको जीता जाता है स्ट्रगल करके। यहाँ पर कभी बता रहा है कि मतलब कि अगर लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लैंड एंड सी आर योर क्रूल बैटल फील्ड, लैंड और सी आपके निर्दयी युद्ध क्षेत्र हैं, बैटल फील्ड हैं। यहाँ पर लाइफ प्रोक्लेम्स मतलब कि जिंदगी दावा करती है, प्रोक्लेम्स में दावा करना, इट्स ट्रियम्फ्स, ट्रियम्फ्स मतलब विजय, जीत का, मतलब कि जिंदगी अपनी जीत का दावा करती है इन द फेस ऑफ डेथ, डेथ के फेस के सामने। सिविलाइजेशन रेस्टेड इज फाउंडेशन अपॉन योर क्रूरिटी,
मतलब कि सिविलाइजेशन, मतलब कि सभ्यता आराम से टिक के बैठती है, अपनी नई एक उसारी करती है, फाउंडेशन करती है तुम्हारी इसी क्रूरिटी पर। और रोइंस इज द प्लेंटी स्टैंडर्ड फॉर एनी शॉर्ट कमिंग। रोइंस होता है कोई बर्बादी, और प्लेनिटी होती है दंड, एक्सटेंडेड होता है मतलब कि बलपूर्वक कोई चीज़ वसूल करना, शॉर्ट कमिंग मतलब कि कमी। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब भी कोई कमी होती है तो नेचर मतलब कि अर्थ अपना प्लेनिटी वसूल करती है रुइंस मतलब कि बर्बादी, बर्बादी के जरिए। मतलब कि जब भी कोई सिविलाइजेशन ने कुछ नया फाउंडेशन किया, ठीक है, तब तक बर्बादी आई, और यही हमारी अर्थ की प्लेनिटी थी। पोएम के सेकंड स्टैंजा के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिस्ट्री का जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, शुरुआत के अंदर अर्थ पे क्या कुछ था उसको रिप्रेजेंट करा है। उसने बताया कि राक्षस किस प्रकार से आए थे, किस प्रकार से वो रहते थे। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री डायमंड्स वर सुप्रीम, हर्श, बार्बरिक, ब्रिटिश, देयर क्लम्सी थिंक फिंगर्स लैक्ड आर्ट। डायमंड्स होता है राक्षस, सुप्रीम होता है सबसे ऊंचे, हार्श होता है रूखे, बार्बरिक मतलब बार्बरिक, और ब्रिटिश मीन्स खतरनाक या फिर राक्षस जैसे। क्लम्सी होता है बेडंगा, और थिंक होता है मोटी, फिंगर होती है उंगलियां, लेकड होती है कमी, आर्ट होती है कला। मतलब कि हिस्ट्री के पहले अध्याय के अंदर, मतलब कि पहले पहले शुरुआत में अर्थ पर कुछ राक्षस सुप्रीम थे, उच्च थे, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल थे, और वो बड़े रूखे थे, हार्श थे, बार्बरिक थे, ब्रिटिश थे, मतलब कि बड़े जंगली थे, और उनकी जो क्लम्सी बेडंगी जो उंगलियां थी ना, उनके अंदर कोई कला नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आर्ट के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें तो आर्ट को डिस्ट्रॉय किया, विनाश किया आर्ट का। विद क्लब्स एंड मैलेट्स इन हैंड दे रियोटेड ओवर सी एंड माउंटेन। क्लब्स होती है गदा जो हनुमान जी के पास थी, और मैलेट्स होता है लकड़ी का हथौड़ा। मतलब कि वो गदा के साथ और लकड़ी के हथौड़ों के साथ, रियोटेड मीन्स राज करना या राज करते थे समुंदर पर और माउंटेन्स पहाड़ों पर राक्षस। देयर फायर एंड स्मोक चर्न्ड स्काई इनटू नाइटमार, नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है कोई बुरा सपना, चर्न्ड होता है बदल देना, मतलब कि उनकी जो राक्षसों की जो आग और धुआं था उसने आसमान को एक बुरे सपने में बदल दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, चर्न्ड कर दिया था। दे कंट्रोल्ड द इनएनिमेट वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को, इनएनिमेट होता है अचेतन जिसके अंदर जान नहीं होती, पूरे वर्ल्ड को क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। दे हैड ब्लाइंड हेटेड ऑफ लाइफ, उनको बुरे तरीके से जिंदगी से, जीवन से नफरत थी, किनको, राक्षसों को। दोस्तों हम सबको पता है कि जब राक्षस आए थे तो उनको ख़त्म करने के लिए देवी देवताएं आगे आई थी, तो उन्हीं को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पैरा के अंदर बताया है। गॉड्स केम नेक्स्ट, फिर गॉड्स आए, बाय देयर स्पेल्स दे सबड्यूडेड द डायमंड्स। सबड्यूडेड होता है वश में कर लेना, और स्पेल्स होता है मंत्र, तो देवी देवताओं ने अपने मंत्रों से राक्षसों को, डायमंड्स को अपने वश में कर लिया। द इंसोलेंस ऑफ मैटर वॉज क्रश्ड, क्रश्ड होता है कुचल देना, और इंसोलेंस ऑफ मैटर, मैटर होता है मामला, और इंसोलेंस होता है बदतमीजी का, गुस्ताखी का, तो जो गुस्ताखी का जो मामला था जो राक्षसों ने किया था उसको कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मदर अर्थ स्प्रेड आउट हर ग्रीन मैंटल, उसके बाद में धरती माता ने क्या किया, अपने हरे रंग का आवरण बिछा दिया। मैंटल होता है आवरण, स्प्रेड मीन्स बिछा देना, फैला देना। ऑन द एस्टर्न पीक्स स्टूड डॉन, जो एस्टर्न पीक था वहाँ पे डॉन खड़ा था, डॉन मतलब कि सवेरा, मतलब कि रोशनी, प्रकाश। ऑन द वेस्टर्न सी शोर इवनिंग डिसेंडेड, और जो वेस्टर्न जो सी का शोर था, तट था, वहाँ पर शाम खड़ी थी, मतलब कि रोशनी थी चारों तरफ। डिस्पेंसिंग पीस फ्रॉम हर चैलिस, डिस्पेंसिंग होता है दोस्तों बांटना,
डिस्पेंसरी वर्ड सुना होगा, ठीक है, डिस्पेंस किया शांति का प्याला, चैलिस होता है प्याला, मतलब कि राक्षसों को ख़त्म कर दिया गया, भगा दिया गया, उसके बाद में अर्थ ने ग्रीनरी फैला दी, मतलब कि नेचर हरा भरा हो गया, सारी प्रकृति कुदरत, ठीक है, तो चारों तरफ प्रकाश थी, लाइट थी और अमन शांति थी। अब नेक्स्ट पैरा के अंदर पोइट ने हमें दिखाया है कि चाहे देवी देवताओं ने डायमंड्स को ख़त्म कर दिया, बट बुराई कहीं ना कहीं अब भी हमारे अंदर है। द शैकल्ड डायमंड्स वर हम्बल्ड, शैकल्ड मतलब जो बांध कर रखे हुए डायमंड्स थे, वर हम्बल्ड, हम्बल्ड मीन्स उनको नरम कर दिया गया, बल्कि कमज़ोर कर दिया गया। बट प्राइमरली बारबरिटी हैज़ कैप्ट इट्स ग्रिप ऑन योर हिस्ट्री, ग्रिप ऑन योर हिस्ट्री, बट जो प्राथमिक मतलब कि पहले की जो बारबरता थी ना, वो अभी भी ग्रिप मतलब कि पकड़ बना के बैठी हुई है आपकी हिस्ट्री में। इट कैन सडनली इन्वेड ऑर्डर विद एनार्की फ्रॉम द डार्क रिसेसेस ऑफ योर बीइंग, इट कैन सडनली एमर्ज लाइक ए स्नेक, मतलब कि ये जो आपकी बुराई है ना, ये कभी भी हमला कर सकती है। इन्वेड होता है हमला करना, एनार्की मतलब कि अराजकता के साथ, और ये छिपी हुई बैठी है डार्क रिसेसेस, डार्क मतलब काला, रिसेस होता है कोई गुप्त स्थान, छिपा हुआ कोई प्लेस, और ये एक दिन सडनली किसी सांप की तरह उभर कर बाहर आ सकती है, अमर्ज मतलब कि प्रकट हो सकती है। इट्स मैडनेस इन योर ब्लड द स्पेल्स ऑफ द गॉड्स रीसाउंड थ्रू स्काई एंड एयर एंड फॉरेस्ट संग सोलेमली डे एंड नाइट हाई एंड लो, मतलब यहाँ पे कभी कह रहा है कि जो बुराई है, इसका जो पागलपन है, वो आपके खून के अंदर है, सुनने वाले लिसनर को कह रहा है कि आपके खून के अंदर है। द स्पेल जो मंत्र है देवी देवताओं के, वो री साउंड मतलब कि गूंजते रहते हैं आसमान के जरिए, हवा के जरिए, जंगलों के जरिए, और ये गाए जाते हैं लगातार डे और नाइट, दिन और रात, कभी ऊंचे स्वर में, कभी लो में। बट फ्रॉम रीजन अंडर योर सरफेस समटाइम्स हाफ टेम डायमंड्स रेज देयर सरपेंट हुड्स, आगे कभी कहता है कि बट आपके अंदरूनी इलाकों से, अंडर योर सरफेस मतलब कि आपके अंदर से, कभी कभी जो हाफ टेम है, हाफ टेम, टेम होता है काबू में, और हाफ टेम मीन्स आधा काबू किया हुआ, डायमंड्स राक्षस रेज देयर सरपेंट हुड, सरपेंट हुड होता है नागफन, मतलब कि कभी कभी हमारे अंदर जो बुराई है ना, वो कभी कभी अपना नागफन उठाती है। द गॉड यू इन टू बाउंडिंग योर आउन क्रिएचर्स इन टू रनिंग योर आउन क्रिएचर, इन लाइनों का मतलब है कि वो कह रहा है कि वो आपको मजबूर कर सकते हैं बाउंडिंग नुकसान पहुंचाने के लिए, घायल करने के लिए, और गॉड होता है मजबूर करना, अपने खुद के क्रिएचर को नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये, इस पैरे का मतलब ये था कि सिंपली कवि ने ये बताया कि अभी भी बुराई ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ह्यूमिनिटी के अंदर कहीं ना कहीं बुराई है, और वो कभी 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 बाहर आ सकती है, फिर चाहे बाहर से हम कितने भी मंत्र गॉड्स को जपते रहें, बट अंदर हमारे अंदर मनुष्य के अंदर बुराई है, वो कभी भी बाहर आ सकती है और अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को विनाश करने के लिए हमें मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक इस पोएम को हाफ कवर कर दिया, अब बाकी की हाफ पोएम ऊपर, अब एंडिंग में एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करके आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो, तो लिटरेचर से जुड़ा हुआ वर्क को और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई वीडियोज़ मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।